ऑल राइट, सो हम प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे थे, और प्रीपोजिशन मतलब हमने 100 प्लस एग्जांपल्स कर लिए थे अलग अलग प्रीपोजिशंस के, और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 105 है, और आप ये देखिए, द मैन जंप्ड द ट्रेन। द मैन जंप्ड द ट्रेन, बताओ क्या आएगा? बचपन से पढ़ा था जंप के साथ तो इनटू आता है, वेरी गुड, इनटू आ जाएगा। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है? सोचो, मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशंस कंटेक्स्ट को वेरीफाई करती हैं। देखिए ये एक ट्रेन है, आगे पीछे इसके डिब्बे हैं। अगर आप बोल रहे हैं द मैन जंप इनटू द ट्रेन, ट्रेन मूविंग है, अगर आप इनटू कहेंगे तो मतलब अंदर से बाहर से अंदर, इनटू फॉर इनवर्ड मोशन। अगर ये तो इनटू आ गया, अगर मैन ट्रेन के अंदर ही जंप कर रहा है तो इन आ जाएगा, जंप इन द ट्रेन, ठीक है। सॉरी, हो सकता है मैन ट्रेन के ऊपर जंप कर रहा है, ऑन द ट्रेन भी आ सकता है, ऑन द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन चल रही थी, चलते से बाहर आ गया, ऑफ द ट्रेन, ऑल राइट। चलिए हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर से उतर के डायरेक्ट ट्रेन पर आ गया, अपॉन द ट्रेन, अपॉन द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन जो है क्या है, जो सुन लो कि ऐसी छलांग लगाई कि ट्रेन को क्रॉस करके पार चला गया, अक्रॉस द ट्रेन। गेट था ट्रेन का, ऐसी छलांग लगाई कि एक गेट से दूसरे गेट में चला गया, थ्रू द ट्रेन। सो सॉरी, डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस पॉसिबल हैं। अब आप देख लीजिए, सो जंप के साथ इनटू नहीं आता, और भी चीज़ें आ सकती हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर ट्रेन रुकी हुई है और ट्रेन से बाहर आ गया, आउट ऑफ द ट्रेन, आउट ऑफ द ट्रेन भी आ सकता है। खासे हमें पता नहीं क्यों आ रही है। तो प्रीपोजिशन कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं, फिक्स्ड नहीं होती हैं, हमने कितनी बार बता दिया। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, देयर आर सम ट्रीज द पार्क, there are some books the box। आप इनकी प्रीपोजिशन फिल करनी है, ठीक है। देखिए पार्क है, एक पार्क का एक अपना स्पेसिफाइड रीजन होता है, इसमें पेड़ लगे हुए हैं इस तरीके से, स्पेसिफाइड रीजन है। ये पार्क का इनर एरिया हो गया, बाहर इसका आउटसाइड हो गया इन, और पार्क 2D ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता है। देर आर सम बुक्स द बॉक्स, बॉक्स का भी एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, इन आ जाएगा। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और भी प्रीपोजिशन आ सकती है इसके अंदर? वेरी गुड, आपने सही सोचा सर, इनसाइड भी आ सकता है, ऊपर इनसाइड आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बॉक्स के अंदर एक और डायमेंशन इंक्लूड हो जाती है, बॉक्स 3D है। तो 3D के केस में आप इनके साथ साथ इनसाइड भी लगा सकते हो। सर अगर दोनों दिए हों तो किसको चूज करेंगे? अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो इनसाइड को प्रेफर करना, ठीक है। वैसे दोनों ठीक हैं, गॉट इट, वेरी गुड। अब ये देखिए, देयर आर सम कॉइंस माई पॉकेट, पॉकेट का एक डेफिनेट एरिया होता है, इन लगा दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। सो इन जो है एरिया और रीजन की प्रीपोजिशन है जिसमें एक डेफिनेट एरिया हो। अब आप देखें पॉकेट का एक डेफिनेट एरिया होता है, इसी तरीके से आप देखें, देयर आर 5 मेंबर्स फैमिली,
फैमिली, अब देखो फैमिली में हर कोई आदमी तो मेंबर नहीं होता आपका, फैमिली का भी एक डेफिनेट एरिया और बाउंड्री होती है, इन माय फैमिली। सो इन जो प्रीपोजिशन है वो एरिया की प्रीपोजिशन है, डेफिनेट बाउंड्री की प्रीपोजिशन है। इसी वजह से आप कहते हैं ना कि इन इंडिया, इन इंडिया, इन माइंड, इंडिया की एक डेफिनेट बाउंड्री है, इन माइंड, माइंड का अपना एक डेफिनेट एरिया होता है। फिर आप बोल देते हो इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का एक डेफिनेट एरिया है, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, स्लेवरी का भी एक भैया एक स्टेट है, ये इन स्टेट के लिए भी यूज होती है। सो इन सारे केसेस में हम जो एक डेफिनेट बाउंड्री और एरिया होता है, और ये स्टेट्स हैं, स्लेवरी एक सोशल स्टेट है, पॉवर्टी एक इकोनॉमिकल स्टेट है, चाइल्डहुड एक जो है आपकी एज वाली स्टेट है, इसका एक डेफिनेट एरिया होता है, तो इनके लिए आप यूज़ कर देते हो। इसी तरीके से आप ये सब स्टेट्स हैं, आप वेदर बोल देते हो, इन वेदर, वेदर एक स्टेट है एटमॉस्फेयर की, क्लाइमेट, क्लाइमेट एक स्टेट है एटमॉस्फेयर की, और स्टेट की प्रीपोजिशन भी इन होती है। वेरी गुड। सो इन जो है स्टेट की प्रीपोजिशन भी होती है और डेफिनेट एरिया वाला भी होता है, सो उन केसेस में भी आप इन लगा देते हैं। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, आप प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ना 2 से 3 बार। अब आप देखें, आई सॉ द मैन, आई सॉ द मैन अ बुक, आई सॉ द मैन, आई सॉ द मैन टीवी। ऑल राइट, पहली बात, बुक प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट, प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट, और आपको बताया प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट्स के लिए इन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑब्जेक्ट के लिए आपको ऑन बताया। और फिर एक बात और देखिए, एक बुक की भी तो डेफिनेट बाउंड्री होती है, डेफिनेट एरिया होता है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, चाहे आप उस सेंस में इन लगा दीजिए या फिर प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट। सो ऑन टीवी या सोशल मीडिया साइट्स, कोई भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया साइट्स एक्स वाई जेड जो भी है वो सब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑब्जेक्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, तो उनके साथ आप ऑन का यूज करेंगे। समझ में आ गया, नोट इट डाउन। ऑल राइट, सो इन फॉर प्रिंट मीडिया ऑब्जेक्ट्स, ऑन सोशल मीडिया के लिए आप करते हैं, सोशल मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंसीडर किया जाता है। अब आप देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल कॉल ऑन हिम इन नेक्स्ट जनवरी। वॉट इज गलत हेयर, कुछ बताएंगे क्या गलत है? इन नहीं आएगा यहाँ, डायरेक्ट नेक्स्ट जनवरी आएगा, और इसकी वजह भी हम बता देते हैं। ये पॉइंट, ये नेक्स्ट जनवरी पॉइंट, टाइम का पॉइंट रेफर कर रहा है। फिर आपने खुद बताया कि महीनों में लगा देते हैं, ईयर में लगा देते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि इन जनवरी, गलत हो गया। अब आप देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर जैसे मैं आपको कोई मंथ लिख दूं, मंथ, या फिर कोई एक पर्टिकुलर मंथ लिख दें आपको, अगस्त, ईयर लिख दें, जैसे कोई पर्टिकुलर ईयर लिख दें 21, ठीक है, सीजन लिख दें, या कोई पर्टिकुलर सीजन लिख दें आपको, रेनी सीजन, आपको वीक लिख दें, कोई पर्टिकुलर आप वीक लिख दीजिए, डे लिख दें, कोई आप पर्टिकुलर डे लिख दें आप, मंडे,
डे इन जनरल, मंडे एक पार्टिकुलर डे हो गया। डेकेड लिख दें या कोई पार्टिकुलर डेकेड लिख दें यहाँ, ठीक है। सेंचुरी लिख दें या कोई पार्टिकुलर सेंचुरी लिख दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनके साथ दिस दैट नेक्स्ट लास्ट ये वर्ड लिखे हुए हैं, ये डिटरमाइनर्स लिखे हुए हैं, एवरी ये डिटरमाइनर लिखे हुए, तो उन केसेस में ये टाइम के पॉइंट्स बन जाते हैं, बिकम पॉइंट्स ऑफ टाइम, टाइम के पॉइंट्स बन जाते हैं उन केसेस में। सो इन दोस केसेस यू वोंट यूज एनी प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, आप कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम के भी कौन से पॉइंट, ये एडवर्ब फ्रेजेस बन जाते हैं, पता है, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से आप इनके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, जैसे कि दिस मंथ, दैट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, लास्ट सीजन, एवरी सीजन। अगर ये वर्ड्स इन डिटरमाइनर्स के साथ लिखे हुए तब आप कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उस केसेस में ये वर्ड्स फिर इन डिटरमाइनर्स के साथ टाइम के पॉइंट से प्रेजेंट करने लगते, टू बी वेरी प्रेसाइज एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन जाता है, तब आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखते। दे विल कॉल ऑन हिम नेक्स्ट जनवरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जनवरी एक टाइम के पॉइंट को रेफर कर रहा है, इसकी वजह से आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे, इन गलत है। अगर नेक्स्ट नहीं होता, दे विल कॉल ऑन हिम जैन होता, तब इन करेक्ट हो जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, आप इस बात को याद रखें, ठीक है। ऑल राइट, सो मूविंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वी आर टू बिजी दिस इन दिस वीक, वी आर टू बिजी इन दिस वीक। ही गोज टू दैट सिटी, ही गोज टू that city every Friday. One more, they had a party here in the last week. The last week. Question number, अभी हम इस पर लिख देंगे, they had a party here in the last week of Jan. This is question number 115, 116, 117, 118. All right, let's find the error. We are too busy in this week. This week लिखा हुआ है, मतलब अब ये point हो गया, time का point, adverb phrase हो गई of time, preposition गलत है, in गलत। He goes to that city every Friday, फिर से ये अब ये time का point हो गया, इसके साथ भी preposition ऑन था यहाँ पर, ऑन एवरी फ्राइडे, जो कि गलत हो जाएगा। दे हैड अ पार्टी हेयर इन द लास्ट वीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देखिए। सर सबसे पहली बात तो ये कि ये इन गलत है इसके अंदर, और फिर दूसरी बात ये कि ये दाबी गलत है, ठीक है, दाबी गलत है। अभी हम रीजन बताएंगे। दे हैड अ पार्टी हेयर इन द लास्ट वीक ऑफ जैन, ये ठीक है। कैसे ठीक है, अब आप सुन लीजिए सफल कर, वेरी इंपॉर्टेंट।
बताएं। ऑल राइट, देखो ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर के इवेंट है, ये पास्ट, ये टाइम है। मान लीजिए कि ये आपने वीक को ही कंसीडर कर लिया, सो प्रेजेंट वीक के लिए आप बोलेंगे दिस, ठीक है। प्रेजेंट वीक के लिए दिस बोल सकते हैं, वीक है या डे है, दिस डे, दैट डे, या फिर अगर फ्यूचर का आपको रेफर करना है तो आप बोल सकते हैं दैट या नेक्स्ट, जो भी आपको टाइम इसके साथ ऐड करना है एक्स वाई जी। पास्ट का करना है तब आप कह सकते हैं कि दैट या लास्ट, लास्ट, इस तरीके से आप रेफर करेंगे टाइम के। इन सबको रेफर करना है, सारे पॉइंट्स को एवरी लगा दीजिए, एवरी। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन पॉइंट्स से पहले, जैसे अगर आप लिख दें द लास्ट और एक लिख दें लास्ट, द लास्ट वीक और एक लिख दें लास्ट वीक, या वीक लिख दें, मंथ लिख दें आप, इनमें फर्क क्या होता है? देखिए क्या फर्क है। अब देखो, अगर आप लास्ट मंथ कह रहे हैं ना, तो वो ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। लेकिन और फिर ये जो है, मतलब कोई एक पॉइंट हो सकता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट को, ठीक है। जैसे कि हम आपको बोल दें लास्ट वीक ऑफ जैन, और एक आपको लिख दें द लास्ट वीक ऑफ जैन। अगर हम लास्ट वीक ऑफ जैन कहेंगे, से फॉर एग्जांपल जो है ये अभी पहला लास्ट वीक चल रहा है, मतलब आखिरी वाला सप्ताह है, और लास्ट वीक कहें तो इससे पहले वाला हो सकता है, तीसरा हो जाए, दूसरा हो जाए, पहला हो जाए। लेकिन अगर हम जब द लास्ट बोलेंगे तो सीरीज में सबसे लास्ट वाला, द लास्ट सीरीज में सबसे लास्ट वाला वीक, और वो तो फिर एक ड्यूरेशन होता है, वो एक ड्यूरेशन हो जाएगा 7 दिन का, सीरीज में सबसे लास्ट वाला एक ड्यूरेशन हो जाएगा। सो अगर आप द लास्ट किसी के बाद लिख देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं डेफिनेट, तो वो ड्यूरेशन को दिखाता है, और सिंपली लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो ये पॉइंट को दिखाता है। लास्ट वीक कोई सा भी हो सकता है आपका, जो अभी अभी निकला है, उससे पहले निकल गया और उससे पहले निकल गया, लेकिन जब हम द लास्ट कहेंगे तो वो सबसे लास्ट वाला, वहाँ पे ड्यूरेशन की बात आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ में आया? अच्छा, वन मोर। सो द लास्ट वीक ऑफ जैन और लास्ट वीक ऑफ जैन में आपको फर्क समझ में आ गया। अगर हम लास्ट वीक ऑफ जैन करें कहेंगे तो ये पॉइंट रेफर करेगा, और ये लास्ट बिल्कुल सीरीज में सबसे लास्ट वाला, वहां पर ये ड्यूरेशन रेफर करेगा, ड्यूरेशन। ऑलराइट, समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है जब लास्ट वीक ऑफ जैन कहेंगे तो आप इसका जो पॉइंट है वैन से आंसर मिलेगा आपको, लेकिन जब द लास्ट कहेंगे तो एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन का आंसर आपको हाउ लॉन्ग से मिलता है, हाउ लॉन्ग से। अब आप यहाँ पर आ जाओ, देखिए दे हैड अ पार्टी हेयर इन द लास्ट वीक। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे तो वेन से पूछेंगे, वेन हैड द पार्टी हेयर, वेन डिड दे हैव द पार्टी हेयर, लास्ट वीक, पॉइंट की बात चल रही है, सो इन भी गलत, दा भी गलत, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन नहीं पूछ रहे हैं। दे हैड अ पार्टी हेयर इन द लास्ट वीक ऑफ जैन। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कितने दिनों के लिए, हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग में के पूरे एक हफ्ते उन्होंने पार्टी की, सो जब ड्यूरेशन की बात चलेगी तो हाउ लॉन्ग, तो ये देखो द लास्ट वीक ऑफ जैन, ये सही हो गया, यहाँ पर ये ड्यूरेशन दिखाने लगा, तो देखिए इन भी सही और ये भी सही। अब फिर से एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अगर किसी से पहले लास्ट लिखा हुआ, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट जैन, लास्ट डेकेड, तो वहाँ पर वो पॉइंट को रेफर करता है, और पॉइंट कोई भी हो सकता है, और पॉइंट टाइम का पॉइंट, ठीक है। टाइम को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पॉइंट में या ड्यूरेशन में। अगर लास्ट लिखेंगे तो वहाँ पर वो जो टाइम है वो पॉइंट में रिप्रेजेंट होगा, और टाइम के पॉइंट को अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वेन से पूछते हैं,
और जब टाइम का ड्यूरेशन होगा तो हाउ लॉन्ग से पूछते हैं, और ड्यूरेशन आप किस तरीके से एक पॉइंट को ड्यूरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा दीजिए, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, थोड़ा कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझिए। आई होप मैंने आपको समझा दिया ये। सो यहाँ पर देखिए द लास्ट वीक ऑफ जैन, तो यहाँ पर जो है ड्यूरेशन की बात चल रही है। यहाँ इन द लास्ट, अब क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हेन डिड दे हैव द पार्टी, लास्ट वीक, पॉइंट की बात चल रही है तो वहाँ पे लास्ट वीक आ जाएगा, द गलत हो जाएगा। अगर द लास्ट ड्यूरेशन की बात होती तो हम द लास्ट लगा देते, तो वहाँ इन भी गलत द भी गलत, यहाँ दोनों जगह ठीक है। गॉट इट, वेरी गुड। तो द लास्ट का आप यूज़ कब करोगे, जब आपको ड्यूरेशन बताना हो, और लास्ट का यूज़ जब आपको टाइम का पॉइंट बताना हो। ऑल राइट, ये आर्टिकल का एक पार्ट था जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया प्रीपोजिशन में, इसको भी आप याद रखिए। All right, so moving to the next question. अब आप देखें, we often go there in Friday evening आप देखो क्या गलत है, एक और देखो, we often go there in evening, ये ठीक है ये गलत है। देखो आपने एक स्पेसिफाई कर दिया, ये टोटल है और ये इसका पार्ट है, यहाँ पर ऑन आ जाएगा ऑन फ्राइडे इवनिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, तो इन इवनिंग टोटल और पार्ट का अगर वो आपको दिखाना, ये इंक्लूजन वाला पार्ट है ना, इंक्लूजन तो ऑन लगा देंगे, ठीक है। अब तो ये देखिए दो इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया नाइट के लिए भी आप यूज एट का करते हैं। अब आप देखिए तीन क्वेश्चन, some animals can see even night, some animals escaped the next night they went to see the Taj moonlit night, बताना है। यहां पर ये जो नाइट है ये जर्नल नाइट है, और यहां पर ये जो नाइट है ये एक स्पेसिफिक नाइट है, लास्ट नाइट लिख लीजिए बल्कि आप इसको यहां, ये किस द लास्ट नाइट, ये स्पेसिफिक नाइट है। इन जर्नल में अगर आपको नाइट को रेफर करना है तो एट, स्पेसिफिक नाइट को तो इन। अब आप ये बताइए मूनलिट नाइट क्या है, कोई नाइट है नहीं, मूनलिट नाइट कोई नाइट नहीं है, ये एक ओकेजन है, और ओकेजन के लिए आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बिल्कुल सही ऑन। ये क्वेश्चन पता है एक पेपर में आया था, अगर एट नाइट कर देंगे तो वो जनरल हो जाएगी, ठीक है, इन कर देंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक नाइट की बात आ जाएगी, तो आप कंटेक्स्ट देख लेना कि किस क्या है, स्पेसिफिक नाइट की बात चल रही है या फिर
इन जनरल किसी नाइट की बात चल रही है, और मूनलिट नाइट इज नॉट अ नाइट बट एन ओकेजन. ठीक है, सो गॉट इट, वेरी गुड. अब देखो द नाइट के अगर हम कह दें या द लास्ट नाइट या द नाइट, ये तो हो गया. अगर द नाइट तो द नाइट का मतलब दो हो जाएगा, या तो चल रही निकल गई या फिर आने वाली चल रही है, सॉरी. ठीक है, तो अब आप वो कंटेक्स्ट देख लेंगे. ऑल राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट थे कि अगर एट नाइट कहेंगे तो वहाँ पे आपका नाइट से मतलब जनरल होगा. ठीक है, इन नाइट कहेंगे तो स्पेसिफिक नाइट कोई भी आपकी. अब आप देखें दे रोट द बोर्ड, आई एम ऑल्सो राइटिंग ऑन द बोर्ड. मैंने तो बता ही दिया आपको. दे लुक्ड द बोर्ड. चलो भाई बताओ बोर्ड क्या हो गया राइट के इस सेंस में. सरफेस, सरफेस के लिए प्रीपोजिशन ऑन. यहाँ पर लुक, देखो एक तरीके का आप थोड़ा बहुत के बहुत सारी साइंस आपको पता है. आप देखेंगे एक आदमी है, यहाँ से उसकी आंखों से रोशनी निकली और वो इस पर हिट करेगी वापस आ जाएगी. ठीक है, एक ये बोर्ड जो है इसके लिए पॉइंट हो गया, टारगेट हो गया. राइट, अगर तुम में से कोई शक्तिमान है और वो बोर्ड के पार भी देख रहा है तो थ्रू लगा देना, लेकिन शक्तिमान तो कोई है नहीं तो एटी लगा देना. समझ में आ गया. खैर, ये आप बोर्ड आपके लिए यहाँ पे एक तरीके का टारगेट हो गया और टारगेट की प्रीपोजिशन एट होती है. अब आप देखें फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125. ही वुड लिव एबीसी लेन He would live 45 ABC lane. चलो बताओ इसका आंसर क्या है. बिल्कुल आपने सही बताया. On आपका आंसर बिल्कुल सही है. At देखो कैसे, ये एक सिटी है, सिटी में बहुत सारे लेन्स हैं, ऐसे करके कॉलोनीज हैं, ये लेन्स आप बोल दिया इनको. किसी एक लेन पर आप रहते हो, ये लेन्स हैं. अब देखो तो यहाँ पर लेन्स पे आप कहीं रह रहे हो, बहुत सारी लेन्स हैं. किसी एक पार्टिकुलर मान लो ये ए बी सी इसका नाम है, ये एक लेन हो गई, आप ऑन लगा देंगे. अब इसी लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपका, अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मान लो कि 45 ए बी सी लेन पर है तो एक पॉइंट हो गया आपका, तो एट लगा दिया. समझ में आ गया. लाइन, ये तो एक लाइन होगी, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप घर से, जो आपके घर हैं, तो एट लगा दिया. एट जो है वो लाइन के लिए, यहाँ पर लेन क्या है लाइन, और 45 ए बी सी ये एक पॉइंट हो गया. वॉट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छे. सो पॉइंट की आपको पता है प्रीपोजिशन एट होती है. और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्या ही बाद में अफसोस करेंगे अगर हमारे पास आएंगे तो. एनीवे, लाइन की बॉर्डरी हमने बता दी, मतलब लाइन के लिए जो वो होती है प्रीपोजिशन वो ऑन होती है, इसी वजह से आप कहते हो ना ऑन द बाउंड्री. देखो बाउंड्री भी एक तरीके की लाइन है, आप बोलते हो बाउंड्री, आप बोलते हो तो पैरी पैरी, ये भी एक तरीके की लाइन है. आउट स्कर्ट्स बोलते हो आप, शहर का बाहरी इलाका, ये भी एक लाइन है. ठीक है, सरकमफेरेंस बोलते हो ऑन सरकमफेरेंस, ये भी एक लाइन है. ठीक है, सरकमफेरेंस के बाद आप बोलते हो क्या ब्रिम, ये भी एक तरीके की लाइन होती है. बर्ज, तो ये सब लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके की वजह से हम इनके साथ ऑन लगा देते हैं. और कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं. देखो एक क्वेश्चन,
किसी का भैया ये कॉलेज है, रोड, ये रोड है, रोड है, ठीक है, किसी का कॉलेज यहाँ पर ही अटैच्ड है, लाइन्स ऑन द रोड। चलिए हमारा कॉलेज जो है वो रोड से अटैच नहीं है, थोड़े सा डिस्टेंस पे, ऑफ द रोड, नियर, यही नियर वाले सेंस में आ गया। अगर आपको कॉलेज बिल्कुल अटैच्ड है तो नियर द रोड, ठीक है। बस ये है प्रीपोजिशन कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं। एनीवे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर पेनल्टीमेट टॉपिक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन। इसे आप कहते हैं ना ऑन द वे, ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, ऑन द वे के लिए एक फ्रेंच टर्म है ऑन रूट, वो भी ऑन द वे मतलब लाइन में है आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी है इसका आंसर बताएं आप। मुस्लिम्स कीप फास्ट रमादान, अगर किसी को ये पता नहीं है कि रमजान कौन सा महीना है, ये 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है, हमने ऐसे लिख दिया। मुस्लिम कीप, कैप क्यों लिख दिया, हमेशा रखते हैं, कीप फास्ट रमजान, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, आप ऐसे लिखो, मुस्लिम ग्रीट वन अनादर ईद। चलिए आप इसका आंसर बताएं, मुस्लिम की फास्ट, मुस्लिम ग्रीट वन अनादर। अच्छा ये तो आपने बहुत सही बता दिया, इसका ऑन आएगा, इसमें क्या आएगा, व्हाट इज रमादान, वेरी गुड, शाबाश, कितना सही आपने आंसर बताया। रमदान भी एक तरीके का ओकेजन है, ओकेजन, और ईद भी एक तरीके का ओकेजन है, ठीक है, जैसे नवरात्रि होते हैं, लेकिन इन दोनों ओकेजन में फर्क क्या है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ओकेजन है और ये वन डे, लिखते हैं वन डे, कोई मत सोचना कि सर बकरीद है 3 दिन के लिए, वो भी शॉर्ट वाला, वन डे लॉन्गर, या फिर वन डे, या फिर इसको सिंपली लिख दें शॉर्ट सेलिब्रेशन वाला ओकेजन है। अगर जब आपको ओकेजन के लिए, तो हमने आपको प्रीपोजिशन बताई है क्या, ऑन, ऑन जो है ओकेजन के लिए यूज होती है, लेकिन उन ओकेजन के लिए जो शॉर्टर डे के लिए होते हैं, लॉन्गर डे ओकेजन्स के लिए आपको एट का यूज करना पड़ता है, और ऑन जो है वो शॉर्टर डे ओकेजन्स के लिए यूज करना पड़ता है। रमदान एक ओकेजन है, 30 दिन चलता है, ठीक है, तो वहां पे आप एट यूज कर देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिंगल डे इवेंट्स के लिए, ये एक आप ओकेजन या इवेंट दोनों आप लिख सकते हैं, ओकेजन लिखें या इवेंट लिखें, ठीक है, ओकेजन या इवेंट, सिंगल डे इवेंट के लिए यहां लिखते हैं, सिंगल डे इवेंट के लिए, इवेंट या ओकेजन के लिए आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन इवेंट्स के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गर ड्यूरेशन इवेंट्स के लिए आप एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब आप देख लो, ठीक है, अच्छा देखो एक बात हम और बता देते हैं, एट वीकेंड्स ब्रिटिश में बोला जाता है, यूके इंग्लिश में, और ऑन वीकेंड्स अमेरिकन में बोला जाता है। अब आप वजह समझ गए होंगे, ऑन वीकेंड्स US में बोला जाता है, आपको ब्रिटिश फॉलो करनी है, एट वीकेंड्स लगा देना पेपर में, बाकी सोशल मीडिया पे ऑन लिखो एट लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, नो वन के बर अ डैम ऑन योर ग्रामर, ठीक है। सो शॉर्टर ड्यूरेशंस के लिए, इवेंट्स के लिए ऑन, लॉन्गर के लिए एट, वेरी गुड। अब आप इस सवाल का जवाब बताएं, व्हाट इज द सवाल, आई एम गोना राइट दैट।
अब बताना, he returned home ठीक है, अरे हम he returned home he returned home सबको पता है सर आपने क्या लिख दिया, 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस, क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम ठीक है। देखो क्या है, क्या है, क्या सुनो, जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां पर क्रिसमस जो है वन डे इवेंट नहीं होता है, 7 डे वाला इवेंट होता है, 7 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आप एक तो क्रिश्चियन नहीं हो, उनके बेचारों का एक त्यौहार आता है और उसको भी आप एक दिन में ख़त्म कर दो, बिल्कुल मत लगा देना एट, आप मानते हो आपके लिए ना 25 दिसंबर का मतलब क्रिसमस, उनके लिए पूरे वीक वीकेंड सेलिब्रेशन होता है। अब यहाँ पर ये स्पेसिफाइड कर दिया ये खास दिन, तो अब यहाँ पर ऑन लगा दीजिए ठीक है। ये पूरा क्रिसमस जो है 7 डे वीकेंड सेलिब्रेशन होता है क्रिश्चियन कंट्रीज में, वीकेंड सेलिब्रेशन इंग्लैंड वगैरह में 7 दिन तक चलता है ठीक है। लॉन्गर ड्यूरेशन इवेंट है ये, और लॉन्गर ड्यूरेशन इवेंट के लिए आपको ऐड का यूज करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना ठीक है। ऑल राइट, फिर हमने बताया था ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टॉपिक भी है। अब आप देखें, ही रोट अ बुक एलियंस, क्या आएगा इसमें, ऑन आएगा। सर अबाउट भी तो आ सकता, बिल्कुल आ सकता, आपकी सोच बिल्कुल सही है, ही रोट अ बुक अबाउट एलियंस। सर फिर डिफरेंस क्या है कि ऑन एलियंस अबाउट एलियंस, अगर आप ऑन एलियंस बोलोगे तो यहां पर मेन टॉपिक एलियंस हो जाएगा। अबाउट प्रीपोजिशन मीनिंग को डाइल्यूट कर देती है ठीक है, अनसर्टेन बना देती है। अगर आप ऑन एलियंस अबाउट एलियंस बोलोगे ना तो यहाँ पर मीनिंग मेन टॉपिक एलियंस नहीं होगा, पहली बात ये, मतलब कि इसके मेन टॉपिक एलियंस नहीं होगा, मेन टॉपिक एलियंस नहीं होगा पहली बात। दूसरी बात इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई और मेन टॉपिक रहा होगा जिसमें एलियंस का भी जिक्र है, मतलब देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ एलियंस, मेन टॉपिक कोई और होगा, ये डाइल्यूट कर देती है। सो ही रोट अ बुक ऑन एलियंस मतलब बुक ही पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एलियंस के को, ही रोट अ बुक अबाउट एलियंस का मतलब क्या, एलियंस के बारे में भी लिखा गया उसमें, इसके साथ साथ कोई और मेन टॉपिक है लेकिन एलियंस के बारे में भी लिखा गया है, अबाउट मीनिंग को डाइल्यूट कर देती है ठीक है। सो अबाउट भी टॉपिक की प्रीपोजिशन है, ऑन प्रिसाइज, जब ऑन लिखते हैं तो मेन टॉपिक वो आ जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, कंटेक्स्ट को जस्टिफाई कर रही हैं, समझें सीखें, दिमाग की नसें खोल के रखें, अच्छे से करें। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, ही वोक अप AM कह देते हैं, देखो पहले वाले में 5 AM एक पॉइंट है, पॉइंट चाहे टाइम का हो स्पेस का हो आप एट लगा दोगे। ही वेटेड द स्टेशन, अब आप देखें ये एक जंक्शन है, जंक्शन पे जो है आप एक हर कहीं तो उतरते नहीं हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर उतरते हैं, वहाँ से आप ट्रेन बोर्ड करते हैं, इन्हीं को आप स्टेशन बोल देते हो
ठीक है, जंक्शन पे सारी जगह तो आपको ट्रेन नहीं मिल जाती, एक फिक्स्ड पॉइंट पे उतर जाते हैं। तो ये स्टेशन जो है वो जंक्शन का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे लोग आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया, ये टाइम पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया प्लेस का। एट लगा दिया, व्हाट इट, वेरी गुड, कितना सही बताया आपने। इसी तरीके से आप देखो, आप प्रीपोजिशन यूज करते हो एट सिनेमा, या फिर आप बोल देते हो पार्टी पार्टी, या फिर आप कॉन्फ्रेंस बोलते हो, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, इनकी वजह से समझ लेना, मीटिंग, सेमिनार, क्लास, ये सब सिनेमा, मीटिंग, पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, क्लास, गैदरिंग के पॉइंट्स हैं। एट यूज कर दिया, उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेमा में टीवी देखने के लिए आप फिल्म देखने जाते हो, तो अगर आप सिनेमा में फिल्म देखने जा रहे हो, मतलब ये गैदरिंग्स जिस पर्पस के लिए इंटेंट हैं, जिनके लिए जानी जाती हैं, अगर उन पर्पस के लिए आप इन गैदरिंग्स में जा रहे हो, इनको अटेंड कर रहे हो, तब आप एट का यूज करेंगे। किसका? एट का, जिस पर्पस को ये सर्व कर रही हैं। जैसे कि अगर आप सिनेमा में बैठे हुए हो और वहाँ मूवी देखने के लिए गए हो, तो आप कहोगे आई एम एट सिनेमा। लेकिन अगर सपोज से फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने के लिए गए और वहाँ पर आप तो मूवी देखने के लिए, अब आप अब्बा अम्मी को बता के नहीं गए, अब्बा अम्मी पीछे से आपके डंडा लेके पहुँच गए कि मूवी मुझे बिना बताए मूवी देखने के लिए गया था, तो आपके पापा तो सिनेमा में मूवी देखने के लिए नहीं गए, उनका पर्पस कोई और है, तो ही वोंट से आई एम एट सिनेमा, ही विल से आई एम इन द सिनेमा, क्योंकि अब वहाँ पर सिनेमा उनके लिए वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा है जिसके लिए वो पर्पस, जो वो पर्पस सर्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये गैदरिंग्स के पॉइंट हैं और जिस पर्पस के लिए इंटेंट किए गए हैं वो पर्पस सर्व कर रहे हैं, तो उस केसेस में तो आप कहोगे एट, अदरवाइज इन। फॉर एग्जाम्पल, अब अच्छा ये तो समझ में आया, तुम बताओ, अगर कोई ये कह रहा है आई एम इन द क्लास और एक बोल रहा है आई एम एट द क्लास, सो आप मुझे ये बताइए आई एम इन द क्लास कहने वाला कौन होगा? स्टूडेंट से फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए वाला है, कौन होगा? कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कहने वाला स्टूडेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एट द क्लास है, आप एट क्लास जो है वो गैदरिंग का एक पॉइंट हो गया, और जब आपने एट लगा दिया तो यहाँ पर क्लास किस लिए, क्या पर्पस होता है? स्टडी के लिए, तो स्टडी क्लास में कौन करता है? स्टूडेंट, तो ये कहने वाला तो स्टूडेंट होगा। और आई एम इन द क्लास कोई भी हो सकता है, आपके अब्बा आपकी शिकायत करने के लिए आएगा, हो सकता है आप भी किसी दूसरे क्लास में, आप क्लास टेंथ में हैं, आप ट्वेल्थ वाली क्लास में चले गए, मॉनिटर है, डस्टर लेने के लिए है, डस्टर ये लेने के लिए चले गए, मैं इसी से मिटाऊंगा, डस्टर लेने के लिए चले गए, तो उस केस में आप क्या कहोगे? आई एम इन द क्लास या आई एम एट द क्लास? वो जो ट्वेल्थ क्लास है अब वो आपके लिए इन हो जाएगा उस क्लास में, क्योंकि अब वहां पर आप पर्पस सर्व नहीं कर रहे क्लास वाला, गॉट इट? एक टेंथ क्लास का स्टूडेंट अगर ट्वेल्थ क्लास के में जा रहा है डस्टर लेने के लिए, तो वो क्या कहेगा? आई एम इन द क्लास या एट द क्लास? इन द क्लास, और वो अपने क्लास में ही है तो क्या बोलेगा? आई एम एट द क्लास। दिस इज द डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये गैदरिंग्स अगर जिस पर्पस के लिए इंटेंट है वो शो कर रही है, तो एट लगाएंगे, एट द मीटिंग, एट द सेमिनार, मतलब आपको ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर वन वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, ठीक है, यू आर ज्वाइनिंग देम, वेरी गुड। सो ये चीज़ें आप अच्छे से समझें, सीखें, फिर क्वेश्चंस लगाएं। क्या टाइम देखो,
अब आप इसका सही आंसर बताना, ठीक है? सही से द बर्ड लिखो, द बर्ड डबल्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स, द बर्ड डबल फ्लैप इट्स विंग्स एंड चार्ज्ड विद द मैन, द बर्ड डबल फ्लैप इट्स विंग्स एंड चार्ज विद द मैन। व्हाट इज गलत हेयर? ये किसी पेपर में आया था, किस पेपर में आया हमें खुद पता नहीं है, लेकिन पेपर में आया तो आप बताओ। द बर्ड बात है, अपने पैरों को, उसने पंख पैरों को खोला एकदम और आपको चार्ज हो गया। अब आप उसके लिए द मैन उस वर्ड के लिए एक टारगेट हो गया, टारगेट की प्रीपोजिशन एट गुना है कबीरा लिखा हुआ है विद एट द मैन, गॉट इट? वेरी गुड। सो देखिए ये कुछ एट इन वाई के यूजेस थे, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोना स्टार्ट वंस अगेन प्रीपोजिशन विद न्यू वर्ड्स। होप आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रीजन देने की हमने कोशिश की। फिर से प्रीपोजिशन शुरू करते हैं, करें? वेरी गुड। देखो अब थोड़ी सी हम भी एनर्जेटिक फील करें, आज हमने तीन क्लासेस ली, मतलब तीन क्लासेस लाइव रिकॉर्ड किया है, तो ये हमारी चौथी क्लास है। देखो फिर से शुरू करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है? कैसे शुरू करते हैं देखिए, द टीचर लेट हिम ऑफ दो शी वॉज convinced with his गलती। सबसे पहले हम आपको let off का मीनिंग बता दें, देखो अगर किसी को पता नहीं है, let off मतलब होता है to allow someone to go, ठीक है? या फिर इसी का मतलब forgive। एनीवे अब आप इसमें जल्दी से हमें आप गलती बताएं। द टीचर लेट हिम ऑफ दो शी वॉज कन्विंस्ड विद हिज गलती, द गलती इज हेयर इज कन्विंस्ड की जगह ऑफ आएगा। अब आप उसी को देखें, कन्विंस्ड के दो मीनिंग होते हैं, कन्विंस्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक कन्विंस का मीनिंग होता है टू सेटिस्फाई, और दूसरा कन्विंस का मतलब होता है श्योर या सर्टेन, श्योर या सर्टेन। जब कन्विंस का मतलब टू सेटिस्फाई हो तो इसके साथ आप विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जब कन्विंस का मतलब श्योर या सर्टेन हो तो इसका मतलब आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। Convinced with something, convinced of something। अब आप देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पर नजर लगाइए, द टीचर लेट हिम ऑफ दो शी वॉज कन्विंस्ड विद हिज गलती, यहां पर सेटिस्फाई वाला सेंस आ रहा है? नहीं, सर्टेन ऑफ, गॉट इट? वेरी गुड। तो इसी तरीके से देखिए, कन्विंस्ड ऑफ, कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ ऑफ लेते हैं। नाउ आई एम गोना राइट ऑल दोज वर्ड्स विच टेक ऑफ एज अ प्रीपोजिशन विद देम व्हेन दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव। आप उनको नोट डाउन करिए, फिर एक एक करके हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? अब देखिए, एक तो हमने कन्विंस लिख दिया, आपको जिन जिन के साथ ऑफ का यूज करना है, देखिए हम यहां लिख देते हैं बड़ा बड़ा ऑफ, देखिए एक तो कन्विंस आपको मैंने हमने बता दिया, अब लिखें आप हमारे साथ कन्विंस्ड सर्टेन श्योर
कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, कॉशस, डिफिडेंट, कॉशस, कॉन्शियस, अवेयर, कॉन्शियस, अवेयर, बिवेयर, वैरी, सस्पिशियस, सस्पिशियन, सस्पिशियस एडजेक्टिव है, सस्पिशियन नाउन है, सस्पेक्ट भी नाउन है, सस्पिशियस जो किसी पे शक करता है, सस्पिशन शक, सस्पेक्ट जो शक के दायरे में है, सस्पेक्ट, जेलस, डिप्राइव, जेलस, डिप्राइव, फुल, डिवाइड, रॉब, फुल, डिवाइड, रॉब, डिस्पोज, बहुत प्यारा सा वर्ड है ये, डिस्पोज, क्योर, अशेम्ड, एम्बेरेस्ड, अशेम्ड, एम्बेरेस्ड, गिल्टी, चार्ज, गिल्टी, चार्ज, रिजल्ट, एक्यूज, रिजल्ट, एक्यूज, कन्विक्ट, कन्विक्ट, एक्यूट, एब्सॉल्व, गेट रिड, प्राउड, फॉन्ड, प्राउड, फॉन्ड, मेड, डाई, मेड, डाई, एफ्रेड, स्केयर्ड, एफ्रेड, स्केयर्ड, फ्राइटेंड, ढेर सारे ये कुछ वर्ड हैं। देखो ये अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं, कब लेंगे कब नहीं लेंगे, अब हम एक एक करके सब डिस्कशन करेंगे। कन्विंस, सर्टेन, श्योर, कॉन्फिडेंट, ये सब सिनोनिमस है। डिफिडेंट इनका एंटोनियम हो जाएगा। कॉशस, कॉन्शियस, अवेयर, बिवेयर, वैरी, ये आपस में सिनोनिम है। उसके बाद सस्पिशियस, जो सस्पिशन करता है, सस्पेक्ट जो सस्पिशन के अंदर है, जेलस तो आपको पता है, डिप्राइव, फुल, डिवाइड, रॉब, डिस्पोज के साथ बहुत बार वो विद लगा के दे देते हैं, ठीक है। अशेम्ड, एम्बरेस्ड, गिल्टी, चार्ज, रिजल्ट, एक्यूज, कन्विंक्ट, और एक्यूट, एब्जॉल्व, एक्यूट और एब्जॉल्व, ठीक है। गेट रिड, प्राउड, फॉन्ड, मेड, डाई, ये तो बहुत ही बार वर्ड आते हैं। प्राउड हो गया, फेवरेट टॉप वर्ड है, मेड हो गया, डाई हो गया, कि किस तरीके से इनके साथ प्रीपोजिशंस आती हैं, फ्राइटेंड, स्केयर्ड, ईटीसी, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। बट देयर इज अ बिग बट देयर, कुछ और भी आते हैं प्रीपोजिशन, वो कब आते हैं, लेट्स सी वन बाय वन, ठीक है। आई होप यू ऑल वुड हैव नोटेड डाउन ऑन योर नोटबुक, सो नोटबुक होता कॉपी नहीं होता, एनीवे खैर अभी नहीं, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बहुत सीरियसली देखना।
अब डिस्कशन शुरू करते हैं जो वर्ड्स हमने लिखे हैं एक-एक करके. ऑलराइट, राइट. क्वेश्चन नंबर 138, द बैग इज फुल. मनी 139, द बैग इज फिल्ड. मनी 139. आप बताएं वहां पर फुल क्या है, फिल्ड क्या है. अगर आप किसी चीज़ को फिल करोगे तो किसी न किसी दूसरी चीज़ से फिल करोगे. इंस्ट्रूमेंट होगा विद, यहाँ पर ये मनी इंस्ट्रूमेंट हो गया. फुल है, किससे है, हूज का आंसर आपको चाहिए. ऑफ, इस तरीके से फुल ऑफ समथिंग, फिल विद समथिंग. ऑलराइट, आप देखो ये अगर हम इसको बोले बताइए ये एडजेक्टिव है. एनीवे अब आप ये देखो, ये बहुत बार आता है. दे कुड नॉट डिस्पोज ऑफ दैट मच वेस्ट. अब आप इसको देखो, अभी आपको बताया, पता है इसके साथ ये वाला ऑफ नहीं आता, सिंगल वाला ऑफ आता है, डिस्पोज ऑफ. अब आप देखें, दे विल क्योर हिम दिस डिसीज They have no cure this disease. खैर देखो, पहले मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर क्योर क्या है, तो जिसकी आंखें नहीं होंगी वो भी बता देगा यहाँ वर्ब है, यहाँ क्योर नाउन है. ठीक है, फॉर ऑफ क्योर एज ए वर्ब टेक्स ऑफ. आप एक बात देखो भैया, जेएनएमसी तो मछलियाँ डॉक्टर बहुत मार रहे हैं. आप बीमार थे, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब को आपको पैसे दिए, डॉक्टर साहब ने आपका इलाज कर दिया, रिलेशन हो गया. एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को आप इमेजिन नहीं कर सकते. तो क्योर him of this disease, cure for. So cure as a noun takes for preposition, as a verb takes of. Got it? Very good, mashallah. इसी तरीके से आप देखो, cure है, पता है. अब आप देखो, deprive, rob, inform, ए प्राइज के बाद आप रिमाइंड रिलीव ऑफ समवन. इसके साथ इन वर्ड्स के साथ ऐसे प्रिपोजिशन यूज किया था. ठीक है, क्योर्ड, ही विल क्योर हिम ऑफ वगैरह वगैरह, ये ऐसे वर्ब इस तरीके से याद कर लेना. अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर डिजीज को कोई दूसरा लिख देना. तो इनके साथ इस तरीके से प्रीपोजिशन यूज करना आप देख लो. रिलीव तो बहुत बार पूछा जाता है, पता है. ये रिलीव और अप्राइज मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन देना कुछ, ये देख लेना. ऑफ आता है इनके साथ एज ए वर्ब. गॉट इट, वेरी गुड. सो ये आप देख लेना. ठीक है, हमने एक बता दिया, आप लिख लेना.
ये कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी हैं। Relieve him of his pain, ठीक है। Apprise him of the news, ठीक है। ये इस तरीके से आता है। Anyway, moving to the question number 144, दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। प्लीज बी अटेंटिव। ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश मर्डर। He felt guilty not going there all right। आप बताएं क्या बताया? यहां गिल्टी की एफ मीनिंग बताओ। पार्ट ऑफ दिस तो हमें बता, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आपने बहुत सही बताया, ऊपर वाले में गिल्टी का मतलब कल्प्रिट है और सर नीचे वाले में गिल्टी का मतलब एम्बेरेस्ड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये एडजेक्टिव है, बस फाउंड गिल्टी, ठीक है। अगर गिल्टी का मतलब कल्प्रिट हो, गिल्टी का मतलब एम्बेरेस्ड हो, लोगे got it? Very good। Question number 145, देखो कितने सारे सवाल हमने कर लिए ऐसे ही। They will charge him theft। He didn't accept the charge नीचे वाले में तो सबके अंदर से एक फीलिंग आ रही है ऑफ वाली, हमें भी आ रही थी, हमने भी लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाले बता, दे विल चार्ज हिम। अब जब चार्ज करेंगे तो किसी ना किसी चीज से चार्ज करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट यहां पर थेफ्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। अगर वो चार्ज करेंगे तो कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको चार्ज करेंगे विद। ये वाली फीलिंग बहुत कम लोगों के उसमें आ रही थी। यहां पर चार्ज देखो वर्ब है, टीवी वर्ब है, यहां चार्ज नाउन है, ऐसे भी याद कर लो। चार्ज एज द नाउन टेक्स ऑफ, चार्ज एज द वर्ब टेक विद, कैसे भी याद करो, पेपर में नंबर आना चाहिए रैंक के साथ, तब तो बात है, वरना कोई फायदा नहीं है। अब आप ये देख, बड़े प्यार से सवाल हैं। Unhappiness is the result Unhappiness is the result देख लो भाई, जो लोग जलते हैं। एक जॉन साहब का शेर है, क्या शेर है ऐसा कुछ मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन तब भी बता देता हूँ, क्या हर्ज कहें ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, ऐसा कुछ जॉन साहब का शेर है, बहुत प्यारा सा लगता है मुझे, याद नहीं है, इतने याद नहीं रहते। अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट जेलेसी, अनहैप्पीनेस रिजल्ट, जो भी खुश हैं हम उससे जलते हैं, अनहैप्पीनेस रिजल्ट जेलेसी की स्पेलिंग भी हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। जेलेसी अगर गलत हो जाए तो माफ कर देना। जेलेसी
रिजल्ट्स अनहैप्पीनेस. दीज आर द थ्री लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज लेक्चर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्न 150, 149, 148. अब आप सवाल के देखो. अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट. हूज रिजल्ट? जेलेसी. रिलेशन. लो भाई, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स. देखो यहां पर ये जो जेलेसी है वो कॉज है. कॉज मतलब सोर्स पॉइंट है. अगर आप किसी से जलोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन हम जॉन साहब वाले हैं, हम दुखी नहीं रहेंगे. ठीक है. और सोर्स की प्रीपोजिशन, सोर्स की प्रीपोजिशन फ्रॉम जेलेसी रिजल्ट्स. ठीक है. अगर आप जेलेसी है तो जेलेसी वैसे क्या होगा, यहाँ पर ये इफेक्ट है. देखो समझ में आया, एक बार सुन लो. अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट. आप क्वेश्चन पूछोगे हूज रिजल्ट? जेलेसी का. अनहैप्पीनेस रिजल्ट किससे रिजल्ट होती, किससे ओरिजिनेट होती है? कोई तो सोर्स होगा, जेलेसी से. ओरिजिन और सोर्स का जो प्रीपोजिशन ऑफ है. ठीक है. जेलेसी रिजल्ट इफेक्ट है अनहैप्पीनेस जेलेसी का. इन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट टर्म. आज के लिए टाटा बाय बाय.